सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाई पवार और आज मैं आपको बताऊंगा हाइपोथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स के बारे में। हाइपोथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बीमारी क्यों होती है और दूसरा उसके रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पहले मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे गले के नीचे के पार्ट में रूट ऑफ नेक में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। ये थायराइड ग्लैंड का कार्य यह है कि वो एक केमिकल को सीक्रेट करता है जिसे हॉर्मोन्स कहा जाता है। जो थायराइड ग्लैंड से जो हॉर्मोन सीक्रेट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पूरे बॉडी को संचालन करता है। जब कभी जो थायराइड से जो हॉर्मोन सीक्रेट होता है उसकी मात्रा बढ़ जाए तो वो भी एक बीमारी है, और अगर ये हॉर्मोन की मात्रा कम हो जाए तो वो भी एक बीमारी है। जब ये हॉर्मोन की मात्रा बढ़ जाए उसे हाइपरथायरॉइडिज्म कहा जाता है, सूखा थायराइड कहा जाता है जिसमें पेशेंट का वेट कम होता है, और दूसरा जब थायराइड ग्लैंड से ये हॉर्मोन की मात्रा कम हो जाए उसे हाइपोथायरॉइडिज्म कहा जाता है, जिसे लीला थायराइड भी कहा जाता है, जिसमें पेशेंट का वेट बढ़ता है। अब मैं आपको बता रहा हूं हाइपोथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स के बारे में। ये बीमारी के सिम्टम्स के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो थायराइड ग्लैंड से जो हॉर्मोन सीक्रेट होता है उसका नॉर्मल कार्य क्या है। इसका जो नॉर्मल कार्य है, इसका जो नॉर्मल फंक्शन है, उसमें डिस्टर्बेंस होने के कारण ही इसमें ऐसे सिम्टम्स जनरेट होते हैं। इसको कोरिलेशन करके बताऊंगा ताकि आपको ठीक तरह से समझ में आए। इसका पहला सिम्टम लेते हैं हमारे ब्रेन पर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। ये हॉर्मोन नॉर्मली ब्रेन तक ब्लड पहुंचाता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, और उसके कारण जब ये हॉर्मोन की कमी होती है तब डिप्रेशन जैसे इसमें सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन यानी कि पेशेंट को कुछ भी सही नहीं लगना, पेशेंट को कुछ भी ठीक नहीं लगना, ऐसी इसमें उसकी जो मानसिक अवस्था है वो होती है। दूसरा स्लीप, ये बीमारी में स्टिमुलेशन ब्रेन तक कम होने के कारण पेशेंट को एक्सेसिव स्लीप होती है। पेशेंट की जो नींद है वो नॉर्मल हॉर्स से बहुत ज्यादा होती है, करीबन 14-16 आवर्स तक इसमें पेशेंट की नींद हो सकती है। इसका तीसरा सिम्टम, इसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है यानी कि उसकी जो आवाज है वो बहुत ही ठीक हो जाती है। फोर्थ, हमारा जो हार्ट है उसको स्टिमुलेशन भी ये हॉर्मोन से मिलता है, उसको जो एक्टिव रखना है ये भी ये हॉर्मोन से वर्क उसे मिलता है। जब ये हॉर्मोन की कमी होती है तब हार्ट कम पर बीट करता है यानी कि पेशेंट का जो पल्स है वो कम हो जाता है, ब्रेडीकार्डिया हो जाता है। जो पल्स नॉर्मली 72 रहना चाहिए वो करीबन 60 से नीचे चला जाता है। इसमें पेशेंट को हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है और हार्ट के रिलेटेड भी कोई बीमारी हो सकती है। इसके बाद सिम्टम्स में हमारा जीआई ट्रैक यानी कि गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये ट्रैक पर ये हॉर्मोन की इफेक्ट ये है कि हमें जो नॉर्मल भूख लगे, हमें एपेटाइट लगे, इसके लिए ये हॉर्मोन जवाबदार है। और दूसरा हमारे आंत के अंदर जो मूवमेंट्स होती है वो मूवमेंट्स के लिए भी ये हॉर्मोन जवाबदार है। जब इसमें डिस्टर्बेंस होती है तब ऐसे सिम्टम होते हैं जिसमें भूख कम लगना यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, और दूसरा मूवमेंट्स आंत की कम होने के कारण पेशेंट को कब्ज होती है यानी कि कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद ये सेक्सुअल सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है, जो हमारे सेक्सुअल सिस्टम है उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसके लिए भी ये हॉर्मोन अनिवार्य है। इसमें डिस्टर्बेंस होना यानी कि फीमेल में मेनोरेजिया पॉलीमेनोरिया यानी कि पीरियड्स ज्यादा आना, मासिक ज्यादा आना, ये तकलीफ हो सकती है, और मेल में जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम हो जाना, इम्पोर्टेंस यानी कि नपुंसकता होना, ये भी इसमें हो सकता है। इसके बाद ये हॉर्मोन की इफेक्ट हमारे ब्लड पर भी है, ये हमारे जो बॉडी में खून बनता है, लाल कण बनता है, उसके लिए हॉर्मोन अनिवार्य है। जब इसमें डिस्टर्बेंस होता है तब खून कम बनता है, खून कम बनना यानी एनीमिया जैसी बीमारी से शिकार होना, ये हाइपोथायरॉइडिज्म में हो सकता है। उसके बाद सिम्टम्स में हमारे मसल्स यानी कि बॉडी के जो हर एक मसल्स हैं उस पर ये ग्लैंड से जो हॉर्मोन सीक्रेट होता है उसका प्रभाव होता है। जब इसमें डिस्टर्बेंस होता है तब हमारा मसल्स इसमें ज्यादा थकान लगती है, हमारे पूरे बॉडी में बॉडी एक हो सकता है, दर्द हो सकता है, पेन होता है, ऐसे सिम्टम्स ये हाइपोथायरॉइडिज्म बीमारी में होते हैं। उसके बाद पॉइंट में लेते हैं हमारे बॉडी की फैट, ये हॉर्मोन नॉर्मली हमारे जो बॉडी की फैट है, बॉडी की जो चर्बी है उसे फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है और फिर ब्लड में ही छोड़ देता है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे ये बॉडी में होनी ही चाहिए।
लेकिन जब ये हार्मोन की कमी होती है उस टाइम पर ये जो फैट से फैटी एसिड में कन्वर्ट करना है वो कम होता है, यानी कि हमारे बॉडी की जो चर्बी है वो ऐसे ही पड़ी रहती है। दिन ब दिन वो फैट बढ़ने के कारण पेशेंट का वेट बढ़ता है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी में पेशेंट का वेट बढ़ने के पीछे का रीजन ये है। और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पेशेंट को इस बीमारी में भूख कम लगती है, उसकी एपेटाइट है वो इसमें कम होती है, उसके बावजूद उसका वेट बढ़ता है। उसके बाद ये जो हार्मोन है ये नॉर्मली हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, गर्मी पैदा करता है। ये हार्मोन की कमी में, ये हार्मोन जब कम होता है हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी में, तब हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस कम होती है और उसके कारण हमारी बॉडी कोल्ड एंड क्लेमी रहती है, ठंडी रहती है, कोल्ड इंटोलरेंस होता है, जो ठंडी का तापमान, ठंडी का जो टेम्परेचर है वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है, पेशेंट को पसीना भी कम आता है, ऐसी तकलीफ इसमें हो सकती है। सिम्टम्स में हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो सकती है, हेयर भी ड्राई हो सकता है, सूखा हो सकता है, स्किन भी सूखी हो सकती है। उसके अलावा बाल का झड़ना, ये प्रॉब्लम होता है, एलोपेसिया होता है। उसके अलावा हमारा फेस में सूजन आना, आंख के नीचे के पार्ट में सूजन आना। उसके अलावा ये हार्मोन की नॉर्मल मात्रा हमारे विकास के लिए जरूरी है, हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये हार्मोन की कमी में ग्रोथ रिटार्डेशन होना, मेंटल रिटार्डेशन होना, यानी कि हमारा जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है वो ठीक तरह से ना हो पाना, ये हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी में हो सकता है। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए, और किसी को काम आएगा मुझे कमेंट करिए। मेरा मेल एड्रेस भी यहाँ मेंशन है, मुझे मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।